मेडिकल ड्रिंक की बढ़ती प्रसिद्धि के चलते नागपुर के कई क्लिनिक ने इसकी फ्रेंचाइजी ली है। इसी श्रृंखला में नागपुर स्थित शिव शंकर मेडिकल एंड क्लिनिक द्वारा मेडिकल ड्रिंक क्लिनिक का उद्घाटन सेवानिवृत्ति आईएएस ऑफिसर और मेडिकल ड्रिंक के फाउंडर डॉक्टर एस राजू के हाथों सम्पन्न हुआ। दरअसल डॉक्टर एस एम राजू द्वारा संशोधित न्यो आयुर्वेदा के माध्यम से घुटनों का दर्द, बालों की समस्या, त्वचा रोग, साथ ही साथ मानसिक विकार और बवासीर आदि जैसे कष्टसाध्य बीमारियों के इलाज के साथ ही मिरेकल ड्रिंक का उपचार लगभग 170 बीमारियों पर असर कारक है, जिसके चलते अब कष्टदायी बीमारियों का इलाज सफल होगा। ऐसा प्रतिपादन, ऐसा विश्वास इस वक्त डॉक्टर एस एम राजू ने व्यक्त किया। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएम राजू, जिन्होंने की मिरेकल ड्रिंक्स का इजाद किया है, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसका संशोधन किया गया है। क्या क्या बोलना चाहेंगे सर, आपने मिरेकल ड्रिंक्स का इजाद? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारा परिवार के लिए शुरुआत किए थे। हमको 1973 में रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रॉब्लम आया था और पेनिडुरा इंजेक्शन देता था। वो पेन की वजह से मैं पढ़ते पढ़ते जब कॉलेज में आए, एक मेडिकल साइंस का कोर्स मिला हम लोगों को, मेडिसिनल प्लांटेशन, आयुष रिलेटेड कोर्स है। देन उसको लगा, ट्रिगर हुआ कि एलोपैथिक साइंस का अलावे आयुर्वेदा भी है ऐसा। उस समय तक हमको मालूम नहीं था। सो हम हमारा शरीर पर उपयोग किए, क्यूर हुआ, फैशन आ गया। और उसके बाद में 91 में आईएएस में आए और उसके बाद में सबको बोलने लगे ये खाना, ये खाए तो ऐसा रहता ये, बिकॉज हमारा जो प्रिंसिपल में खाना का बारे में ही बोलता हूँ, आहार ही परमाऔषध। और उसके बाद में 2008 में हमारा पिताजी को किडनी फेलियर हुआ था, डायलिसिस पे था, उनके ऊपर ट्रायल किए। और 2010 को हमारा लड़का को ब्लड कैंसर हो गया था, उनके ऊपर ट्राई किए एंड सक्सेस हुआ। आदमी माननीय मंत्री महोदय श्रीपद नायक साहब को कुछ हेल्थ ट्रीटमेंट किए और गिरिराज सिंह साहब को किए, सब चीफ जस्टिस जजेस किए, और उन लोग कहा कि पब्लिक के लिए क्यों नहीं आना चाहिए। देन ये पब्लिक को ले आया एक अंडर द कर्टिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग। अभी इधर महाराष्ट्र में मिस्टर गौतम लब्धी जी जो है, ही इज अ सुपर स्टार की स्टो करके इस साइंस को पूरा महाराष्ट्र फैल लेना करने के लिए वो सोच करके किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एस एम राजू द्वारा रिबन काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ माछे कार्यक्रम की शुरुआत दीपक प्रज्वलन के साथ की गई। इस खास मौके पर डॉक्टर एस एम राजू, सेवानिवृत्त भापा से सम्मिलित शेखरज खोले अध्यक्ष एआरए महाराष्ट्र, गौतम अंजैन उपाध्यक्ष एआरए महाराष्ट्र सुपर स्टॉकिट महाराष्ट्र मिरेकल ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड, महिपाल आर्या अध्यक्ष एनएडीए नागपुर, संजय पटवा सचिव एनएडीए नागपुर, पूर्व नगर सेविका उज्ज्वला शर्मा, संजय पटवा, विवेक प्रकाश एडवाइजर मेडिकल टीम आदि विशेष रूप से उपस्थित थी। इस समय एनडीए के अध्यक्ष महिपाल आर्य ने शिव शंकर क्लिनिक द्वारा मेडिकल ड्रिंक क्लिनिक के उद्घाटन के पीछे का उद्देश्य प्रतिपादित किया, जहां उन्होंने कहा कि सैकड़ों साल पुरानी आयुर्वेद का महत्व जानते हुए हमने मेडिकल ड्रिंक की फ्रेंचाइजी ली है। दर्शकों, आयुर्वेद की दुनिया में मिरेकल ड्रिंक्स मिरेकल कर रहा है, बोले तो चमत्कार कर रहा है। और इस वक्त हम मौजूद है शिवशंकर क्लिनिक में, जहाँ की हमारे साथ मौजूद है महिपाल सर, जिनसे हम जानेंगे कि मिरेकल ड्रिंक्स का क्लिनिक यहाँ ओपन हुआ है, क्या था उसके पीछे का उद्देश्य और उनकी प्रतिक्रिया क्या था। मिरेकल ड्रिंक्स का जो क्लिनिक का ओपनिंग आपके शॉप में हुआ है, क्या था इसके पीछे का उद्देश्य? हाँ, सभी को नमस्कार। मैं पहले थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण आयुर्वेद के बारे में देना चाहूँगा। आयुर्वेद जो है ये एक प्राकृतिक चिकित्सा है और ये सनातन वर्षों से ही चले आ रही है। जब से पृथ्वी के ऊपर में जीवन आया, उसी वक्त से ये ट्रीटमेंट का नैसर्गिक प्राकृतिक तरीका जो है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। और ऐसा है कि इसके अंदर में कोई साइड इफेक्ट्स या कोई रिएक्शंस या कुछ वो नहीं, नेचुरल वे से जो अपनी व्याधियां अपने शरीर के अंदर में पैदा हो जाती हैं, उनको नेचुरल तरीके से ही उनका समाधान किया जाता है। तो ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, ये लाखों वर्ष पुरानी है, करोड़ों वर्ष पुरानी है, जो आज भी मान्य है। और आगे जब तक पृथ्वी और के ऊपर जीवन रहेगा और पृथ्वी रहेगी, जब तक ये मान्य रहेगी,
एलोपैथिक की जो चिकित्सा पद्धति है या दूसरी चिकित्सा पद्धति है उसके अंदर में ये रहता है कि आज एक दवा का वो लोग परीक्षण करके उसको पब्लिक में प्रस्तुत करते हैं, 10 साल बाद में उसको विड्रॉ कर लेते हैं कि वो फेल हो चुकी है। ये हमने पिछले 20-25 सालों में कई बार देखा है, परंतु आयुर्वेद के बारे में ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक चिकित्सा होने की वजह से आज से करोड़ों साल पहले भी मान्य थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अब इसमें ऐसा है कि हर चीज़ के अंदर में अनुसंधान की जरूरत रहती है, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। ईश्वर ने ऐसी रचना बनाई है कि वो चीज़ मनुष्य जाति उसको पूर्ण रूप से कभी भी पूर्ण रूप से उसको पढ़ नहीं सकता। इसलिए अनुसंधान इसलिए ज़रूरी है कि अपने को नई नई चीज़ें, नए नए प्राकृतिक जो अपने पास में जो वायुमंडल का या अपना जो जीवन शैली बदलती है उसके आधार पर उनको नया नया चीज़ें के ऊपर में रिसर्च करने पड़ते हैं। तो अब आयुर्वेद के अंदर में रिसर्च करके सभी कंपनियां इसके अंदर में कर रही हैं। अभी मिरेकल ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके जो इन्वेंटर हैं डॉक्टर SM राजू, जो IAS रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने गहन अनुसंधान करके कुछ ड्रिंक्स निकाले हैं। उन ड्रिंक्स से उन्होंने हजारों पेशेंट्स के ऊपर में जब उन्होंने उसका परीक्षण किया तो लगभग 170 व्याधियों के ऊपर में वो कारगर रहे। तो जो पेशेंट है वो जब सभी तरफ से थक जाता है तो आयुर्वेद के तरफ आता है, और अब ये ड्रिंक्स के द्वारा उन्होंने 170 व्याधियों को दुरुस्त किया है। और आज ये बहुत खुशी की बात है कि शिवशंकर आयुर्वेदिक सीताबर्डी में एक फ्रेंचाइजी उनके द्वारा स्थापित की जा रही है, जहां पर निशुल्क मरीजों का इन मिरेकल ड्रिंक्स के द्वारा उपचार किया जाएगा, और वो जो मरीज हैं वो उसका लाभ ले सकेंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।